हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रिगो का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब आपका गेस क्वेश्चन है 2019 के लिए और 2019 में आएंगे। और ये क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है जो मैं आपके सामने क्वेश्चन बताऊँगा, ये 2015 का है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था और बैक और जाइएगा तो आपको 2013 में मिलेगा क्वेश्चन। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा बराबर 1/2 लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई बीटा बाई अल्फ़ा, तो कुछ इस प्रकार आपको सोल्यूशन करना है जो मैं आपके सामने बताऊँगा। सबसे पहले अल्फ़ा बराबर आपको कुछ मान लेना है, ठीक है। क्या मानेंगे? आर कॉस थीटा, और बीटा बराबर भी कुछ मान लेना है आर साइन थीटा। और ये दोनों को आपस में ऐड करके दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो कुछ इसके फॉर्म में आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इस पर स्क्वायर होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आर स्क्वायर में 1 सुना करें तो क्या होगा? आर स्क्वायर देगा। और कुछ इसको और तोड़ना चाहें तो आर के वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट चल जाएगा इसके ऊपर, और इसको और इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो रूट है 1/2 यहाँ पर आगे चलेगा, ठीक है। और इसके बाद हम निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमको आगे पुट करना होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड वाले को और फर्स्ट वाले को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो आगे सबसे पहले सेकेंड वाले को तो फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं, तो बीटा बाई अल्फा हो जाएगा। सेकेंड वाला का वैल्यू लिख दिया और फर्स्ट वाला का, यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर बीटा बाई अल्फा और ये टेन साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और यहाँ थीटा का मान क्या निकल के आएगा? टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, बीटा बटा अल्फा। अब कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर वैल्यू है बारी बारी से इतना क्या वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू में सिर्फ इतना मान पुट कर देना है, अल्फा बराबर आर कॉस थीटा, बीटा बाई आर साइन थीटा पुट कर देना है। जैसे ही देख सकते हैं हम मान यहाँ पर लिख चुके हैं फर्स्ट वाला, और यहाँ पर यहाँ पुट कर देते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, बीटा बराबर आर साइन थीटा। और दोनों में से आर कॉमन ले लेते हैं, और देखिए कॉमन लेने में क्या बचा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ई टू डी पावर आई थीटा होता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इतना के बदले में आपको इतना लिख देना है मान, ई टू डी पावर आई थीटा। और आपको दोनों तरफ आप लॉग लगा देना है, इधर भी लॉग लगा देंगे कितना आ गया, और इधर लॉग लगाएंगे तो क्या होगा? लॉग आठ हो जाएगा, और बीच में प्लस लॉग ई टू डी पावर आई थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको आता होगा तोड़ने, दो रहता है तो आपको लॉग आर और लॉग ई टू डी पावर आई थीटा हो गया। और हमको पता है यहाँ पर लॉग आर के रहते हैं, और फॉर्मूला हम जानते हैं लॉग ए पर पावर बी होता है, तो बी के पावर को बाहर निकालते हैं और लॉग ए को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई टू डी पावर आई है, आई थीटा है, तो क्या करते हैं आई वाले टर्म को यहाँ लिख देते हैं और लॉग ई और थीटा को थीटा लिख देते हैं। मतलब आपको ई पे पावर आई थीटा है, ठीक, ऊपर ही पावर में ही थीटा, नीचे थीटा नहीं है, ऊपर ही थीटा है। तो आई लॉग ई थीटा यहाँ लिख लिए। इतना करने के बाद आपको लॉग ई का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लॉग ई का मान आप जानते हैं, लॉग ई का मान होता है 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थीटा सिर्फ बचेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर लिख देना है, और लॉग आर, लॉग यहाँ पर लिख देना है आर का जो वैल्यू निकालें इतना 1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर लिख देना है, प्लस आई जो थीटा का वैल्यू निकाले हैं थीटा का वैल्यू लिख देना है। और आपका ये प्रूफ हो गया है, इतना ही हमको प्रूफ करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं हमको इतना ही लाना था और इतना आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको इस फॉर्म दिया है 1 + i/n प्लस 1 - i/n, और इतना आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं, यहाँ पर LHS लिख सकते हैं। और देखिए वहाँ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम डिमोरियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ बीच में माइनस है। तो इसी को चेंज करने के लिए कुछ हमको इस फॉर्म में लिखना होगा। फर्स्ट वाले में √2 से डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखिए सब में 1/2 √2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, क्योंकि ये कट जाएगा आपस में तो फिर 1 ही चलाएगा, फिर ये कट जाएगा तो आपका आई ही चलाएगा, ये कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, फिर ये 2 से 2 कर जाएगा तो माइनस आई आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको डिवाइड कर लिए, ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि डिविडेंस फॉर्म में आ सके, ये ए वाला फॉर्म। इतना करने के बाद आपको सभी में से √2 कॉमन लेना है, ये √2 है ना, √2 सभी में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेंगे
तो यार रूट टू का तोड़ देंगे, रूट टू पर भी ये पावर एन है तो ये कॉमन निकलेगा, तो रूट टू पर पावर एन लेके निकलेगा, और ये सब बाकी टर्म जो बचा हम यहाँ पर लिख के होल पावर एन लिख दिए, और इसमें से भी कॉमन लेंगे कुछ, इस प्रकार हम लिख चुके हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जैसे देख सकते आप सब दोनों में से जितना कॉमन है रूट टू वाला सब एक बाहर निकाल देना है, और ये वाला टर्म को साथ में अब लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया, ये आपका किसका वैल्यू होता है, यहाँ पर जो रियल पार्ट में किसका वैल्यू जुड़ा जाता है कॉस, और इमेजिनरी के पार्ट किसके साथ जुड़ा होता है साइन के साथ जुड़ा होता है। तो देखिए तो कॉस का वैल्यू कब आता है पाई बाई टू, वन बटा रूट टू कब आता है, कॉस का वैल्यू वन बाई टू 45 डिग्री में आता है, तो 45 डिग्री क्या लिखते हैं पाई बाई फोर लिखते हैं, और आई और साइन रूट टू मतलब इसका भी बराबर वैल्यू होता है 45, कॉस का भी सेम वैल्यू होता है और साइन का भी, तो यहाँ पर पाई बाई फोर लिख दिए प्लस, और इसका भी वैल्यू कॉस पाई बाई फोर, और इसका भी सेम टू सेम जो ये किए हैं इसमें कर दिए। अभी भी यहाँ पर हम डिमिनिरस थ्योरम का अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर अभी माइनस है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस माइनस टा बराबर कॉस टा होता है, तो ये अभी इस फॉर्म में जो ये है ना आपका इस फॉर्म में है, तो क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सिर्फ कॉस लगा देंगे और इसके जगह माइनस पाई बाई फोर थीटा लगा देंगे, और देखिए ये जो आपका है ये आपका अभी इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ये फॉर्म में है, इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे और बीच में आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इतना गया तब इसको डिमिनिरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देना है, एन से मल्टीप्लाई करना था तो एन यहाँ पर आ गया, एन आ गया और यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और इतना करने के बाद आपको इतना आपस में सबको तोड़ देना है, जो कटने वाला है इसे काट देंगे, यहाँ पर देखिए क्या क्या कटने वाला है, साइन तो नहीं कटेगा, कॉस भी नहीं कटेगा आपका, ओ सॉरी यहाँ पर हमारा आई छूट गया है, यहाँ पर आई छूटे तभी तो साइन से साइन कटेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई है ऑलरेडी, यहाँ से आई कट जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म बचा था, जो जोड़ने पर क्या होगा टू कॉस एन पाई बाई फोर, और इससे आपस में और कैलकुलेशन कर लेते हैं, और देखिए ये इतना को इसको तोड़ेंगे तो एन हो गया, और रूट हटेगा तो टू आ जाएगा बट्टा में, क्योंकि रूट हटने पर वन बाई टू आता है, ऊपर ऑलरेडी एन है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू पावर एन बाई टू, और ये टू ऑलरेडी यहाँ पर है ही, और टू के पावर में भी वन होता है, इसके पावर में वन, तो अगर आपस में जोड़ देंगे तो वन एन बाई टू प्लस वन, आपको ये सब आता होगा, आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर देना है, इसका एलसीएम लेके आपको कुछ इस प्रकार निकाल देना है, आपको यही प्रूव करना था। देखिए आपका आ चुका है आरएचएस में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रूम में, आपका ट्रिगो एक दिन और चलेगा, एक दिन और जो क्वेश्चन में पूछा गया है एक और दिन चलेगा कल तक, इसके बाद ट्रिगो में ही आगे चैप्टर बढ़ाया जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।